नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। क्रिकेट पर एक बार फिर से फिक्सिंग का काला साया नजर आने लगा है, जिस कारण से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सन्न रह गया है। लोढ़ा समिति की सिफारिश पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों को बीसीसीआई में शामिल किया गया है और मेघालय ने सोमवार को अपनी टी20 लीग कराने की घोषणा भी कर दी है। इसको लेकर मेघालय क्रिकेट संघ ने इवेंट मैनेजर्स ओरिएंटेड ट्रेड लिंक के साथ करार भी कर लिया है, लेकिन इस ओरिएंटेड ट्रेड लिंक के मुखिया आसिम खेत्रपाल के एंट्री से बीसीसीआई सन्न हो गया है। दरअसल न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने इसी खेत्रपाल पर फिक्सिंग करने के लिए धन देने का आरोप लगाया था। 1999 में फ्लेमिंग और इंग्लैंड के ऑलराउंडर किरण लुईस ने खेत्रपाल पर अलग अलग आरोप लगाए थे। उन्होंने मैनचेस्टर में इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच को फिक्स करने के लिए 3 लाख पाउंड की पेशकश की थी। खेत्रपाल पर उस समय रेडियंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नाम की कंपनी चलाते थे। हालांकि खेत्रपाल ने उन आरोपों को नकारा था। एक भारतीय पत्रकार ने भी खेत्रपाल का जिक्र अपनी किताब में किया है। खेत्रपाल ने यह माना था कि उन्होंने लीसेस्टर में फ्लेमिंग से मुलाकात की थी और उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड सौंपा था। बीसीसीआई के पदाधिकारी ने कहा कि लोढ़ा समिति का खतरनाक पहलू सामने आने लगा है। जो लोग बीसीसीआई से अभी तक दूर थे, वे अब छोटे राज्यों और खासतौर पर पूर्वोत्तर के राज्य संघों से क्रिकेट में आ रहे हैं। इससे क्रिकेट में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मालूम हो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर फैसला दिया था और उसके तहत पूर्वोत्तर के राज्यों को भी इस सत्र में रणजी में खेलने का मौका मिला है। अभी तक तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और मुंबई ने ही अपनी टी20 क्रिकेट लीग शुरू की है, जबकि बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन करता है। धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लाइक करें हमारा Facebook पेज।